रायसेन के ऐतिहासिक किले पर जलाभिषेक करने के पहुंची उमा भारती, लेकिन ताला बंद होने की वजह से बाहर से ही पूजा अर्चना के लिए कहा गया। जब तक ताले नहीं खुलेंगे तब तक के लिए अन्न त्याग रही हूं, उमा भारती ने यह सब कहा। और हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से खास बातचीत की, रिपोर्ट देखिए। जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन जलाभिषेक के ताला नहीं खुले, क्या कहना चाहेंगी? वजन टूट जाएगा यार, बहुत ज्यादा ना। ये स्थान केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और ताला डाला हुआ है, तो हमें अधिकार नहीं है कि हम स्थानीय हम केंद्रीय पुरातत्व विभाग को लिखेंगे और जिस दिन वो हमें ताला खोलने की अनुमति देंगे हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप आइए और जलाभिषेक करिए। उन्होंने मुझे रोका नहीं है। बताया जा रहा है कि आपने अन्न त्यागा है, कब तक के लिए? उसको आप बात मत दीजिए क्योंकि वो बहुत व्यक्तिगत बात है, मेरे स्वार्थ की बात है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं तो अपने ही कस्टमर को नियंत्रण में करने के लिए ऐसा क्यों कोई दबाव बनाने के लिए नहीं। मैं अपील करूंगी कि मेरी इस बात का राज्य केंद्र या जिला कोई दबाव न मीडिया के लोग भी इसका बहुत गुणगान करेंगे। ये बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि आपने प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए। ये हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मौजूद थी जिन्होंने कहा कि ये मेरा दिल की भावना थी जिसमें सोमेश्वर धाम में जलाभिषेक किया जाए। इंडिया न्यूज़ रायसेन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।